कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोबाइल यूआई एंड एडवांस फीचर्स। सो आज के लेक्चर में हम डिजाइन करेंगे मोबाइल के मुख्तलिफ यूआईज को, उनके बारे में पढ़ेंगे, मुख्तलिफ देखेंगे और कौन कौन से एडवांस फीचर्स हमारे पास है जो हमारे यूआई को मोर इंटरेक्टिव बनाते हैं, मोर फ्लेक्सीबल करते हैं ताकि हमारी ऐप के यूजर नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज हो सके। बात करेंगे यूजर इंटरफेस नेविगेशन की। तो आपकी यूजर इंटरफेस जो ऐप का यूजर इंटरफेस है, बेसिकली वो एवरीथिंग दैट अ यूजर कैन सी एंड इंटरेक्ट विद, हर वो चीज जो यूजर आपकी स्क्रीन पे देख सकता है और उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, वो चीज बेसिकली आपके ऐप के यूजर इंटरफेस को डिफाइन करती है। सो एंड्रॉयड हमें वैरायटी ऑफ प्री बिल्ड यूआई कंपोनेंट हमें प्रोवाइड करता है, जैसे कि स्ट्रक्चर लेआउट है या यूआई कंट्रोल्स हैं जो अलाउ करते हैं हमें टू बिल्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस फॉर आर ऐप। जैसे हमारे पास मुख्तलिफ एंड्रॉयड विजेट्स हैं या एप्लीकेशन विजेट्स हैं, बटन हैं, टेक्स्ट फील्ड हैं, इसी तरह के मल्टीपल लेआउट्स हैं, उसी तरह के हमारे पास कंटेनर्स हैं लाइक लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट। तो एंड्रॉयड हमें एक वैरायटी ऑफ प्रीबिल्ट यूआई कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है ताकि हम अपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को बेहतर बना सकें, अपने ऐप्स के नंबर ऑफ यूजर्स को बढ़ा सकें, अपने ऐप को मोर फ्लेक्सीबल मोर एडवांस कर सकें। इसी तरह एंड्रॉयड हमें प्रोवाइड करता है अदर यूआई मॉड्यूल्स फॉर स्पेशल इंटरफेस, जैसे कि डायलॉग बॉक्स है, नोटिफिकेशन है, मेन्यू बार्स हैं, टैब्स बार हैं, स्वाइप बार है। तो ये प्री बिल्ड टूल्स भी हमें एंड्रॉयड प्रोवाइड करता है ताकि हम अपनी ऐप्स को मजीद फंक्शनल बना सकें। सो सबसे पहले हमारे पास लेआउट एंड्रॉयड के यूआई कंपोनेंट्स में से वन ऑफ द मोस्ट मेजर कंपोनेंट, कि जो बेसिकली डिफाइन करता है आपके ऐप का स्ट्रक्चर, जो भी आपकी एक्टिविटी का स्ट्रक्चर होता है, हर एक्टिविटी का स्ट्रक्चर, वो बेसिकली आपका एक लेआउट होता है और उसमें आपके तमाम एलिमेंट इनक्लोज होते हैं। सो ऑल एलिमेंट इन लेआउट आर बिल्ड यूजिंग अ हायरार्की ऑफ व्यू एंड व्यू ग्रुप ऑब्जेक्ट। सो जो भी आपके लेआउट्स बनते हैं वो आपके व्यू और व्यू ग्रुप के हायरार्की से ही बनते हैं, उनके आपस में पेरेंट चाइल्ड कम्बिनेशन से ही बनते हैं। सो अगर बात करें व्यू ग्रुप की, तो व्यू ग्रुप बेसिकली वो इनविजिबल कंटेनर है जिसमें आपके तमाम यूआई एलिमेंट्स इनक्लोज होते हैं, जैसे कि आपका लीनियर लेआउट है, रिलेटिव लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट, आपका ग्रिड व्यू, इसी तरह लिस्ट व्यू है। तो ये रिप्रेजेंट करता है आपके व्यू ग्रुप्स को, और एक व्यू ग्रुप में आपके पास मल्टीपल व्यू ग्रुप्स भी हो सकते हैं। आप एक रिलेटिव लेआउट में मल्टीपल लीनियर लेआउट, मल्टीपल रिलेटिव लेआउट भी यूज कर सकते हैं। और इसी तरह जो व्यूज बेसिकली आप यूजली उन चीजों को बोलते हैं कि जो आप यूजर देख सकता है और उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, कि फॉर एग्जांपल कोई बटन है, कोई एडिट टेक्स्ट के फील्ड है, कोई स्पिनर टैब वगैरह है। तो इस तरह की चीजें बेसिकली डिफाइन करती है व्यू को। तो व्यू ग्रुप हमने बात की, एक इनविजिबल कंटेनर है जो डिफाइन करता है लेआउट के स्ट्रक्चर को। और जब बात आती है व्यूज की, तो बेसिकली वो एंड्रॉयड के विजिट्स हैं, एप्लीकेशन विजिट्स हैं, जो बेसिकली जिनके यूजर देख सकता है और उनकी मदद से आपकी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो हमारे पास लेआउट में मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं, लीनियर लेआउट है, कंस्ट्रेंट लेआउट, जो मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट की बेस में अपनी एप्लीकेशन में यूज करते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नोटिफिकेशन ओवरव्यू, कि जब नॉर्मली हमने कोई नोटिफिकेशन ऐप बनानी होती है कि जो बेसिकली ऐप आपको नोटिफाई करेगी, चाहे वो फोरग्राउंड में कोई नोटिफिकेशन दे, बैकग्राउंड में दे, या कोई डायलॉग बॉक्स या टोस्ट मैसेज अपेयर करे, तो बेसिकली वो आपका नोटिफिकेशन ओवरव्यू है। कि एंड्रॉयड हमें ऐसी फंक्शनलिटीज भी देता है कि हम यूजर को नोटिफाई कर सकें, एक ऐप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बता सके। इसी तरह एड द ऐप बार फंक्शनैलिटी है कि हम ऐप बार भी अपनी एप्लीकेशन में इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर हमारे पास सिस्टम के यूआई विजिबिलिटी को कंट्रोल करने की भी फंक्शनैलिटी एंड्रॉयड हमें प्रोवाइड करता है, कि किस स्टेज पे हमने किन फील्ड्स को इनेबल करवाना है, किन फील्ड्स को डिसेबल करवाना है, किसको व्यू करवाना है, किस सिनेरियो की बेस पे किसको करवाना है। कि फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारे पास लॉगिन या रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और हम चाहते हैं यूजर तब तक वो सबमिट ना कर सके कि जब तक उसकी कोई भी फील्ड एम्प्टी है, तो उस सिनेरियो में एंड्रॉयड हमें ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि हम सबमिट के बटन को हाइड कर दें और जैसे ही सारी फील्ड्स इनेबल हो जाए, उस वैलिडेशन चेक की बेस पे हमारा बटन भी इनेबल हो जाए। इसी तरह हमारे पास इफेक्टिव नेविगेशन प्रोवाइड करता है, उसको डिजाइन करने के तरीके हमें प्रोवाइड करता है। इसी तरह एंड्रॉयड हमें बैकवर्ड कंपेटिबल यूआई भी प्रोवाइड करते हैं, कि लाइक हमारे एक यूआई मल्टीपल बैकवर्ड कंपेटिबल के साथ चल सकता है। ये नहीं होगा कि बैकवर्ड पे अगर आपको चेंजिंग करेंगे तो वो फ्रंट एंड पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आपको दोबारा से फ्रंट एंड भी दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा। नहीं, ये हमें बैकवर्ड कंपेटिबल यूआई प्रोवाइड करता है कि जो हमारे बैकवर्ड के साथ कंपेटिबल होते हैं और उनको एक्सेस करके हम इन्हें यूज कर सकते हैं। फिर हमने देखा इफेक्टिव नेविगेशन प्रोवाइड करता है, इसी तरह हमें फ्रेगमेंट्स प्रोवाइड करता है यूजिंग व्यू पेजर। फ्रेगमेंट हमने देखा था कि जब हम एक एप्लीकेशन में मल्टीपल पोर्शंस बना देते हैं, मल्टीपल स्क्रीन बना देते हैं विद इन एन एक्टिविटी, तो वो प्रोविजन भी हमें एंड्रॉयड प्रोवाइड करता है कि हम फ्रेगमेंट्स यूज कर सकें। इसी तरह स्वाइप टू रिफ्रेश की फंक्शनैलिटी है, जैसे हमारे पास फेसबुक में या ट्विटर में फंक्शनैलिटी की अगर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके या टॉप से ड्रैग करें तो हमें एक रिफ्रेश की फंक्शनैलिटी भी आ जाती है, जिसे हम स्वाइप टू रिफ्रेश कहते हैं। तो बेसिकली वो फंक्शनैलिटी को भी एंड्रॉयड सपोर्ट करता है।
फिर हमारे पास टोस्ट ओवरव्यू है कि लाइक हमने जब कोई शॉर्ट मैसेज यूजर की स्क्रीन पे दिखाना हो और उसके अगेंस्ट यूजर से कोई भी एक्शन नहीं लेना होता तो उस केस में हम टोस्ट मैसेज भी दिखाते हैं। फिर हमने देखे पॉपअप मैसेज के, फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट या ड्रॉप डाउन मेन्यू या कोई ऐसा मैसेज जो यूजर की स्क्रीन पे पॉपअप हो जाता है वो मैसेज भी हमने बनाने सीखे अपने एंड्रॉइड में। इसी तरह एंड्रॉइड वो हमें फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि किस तरह से हम पॉपअप मैसेज ओवरव्यू बना सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं डायलॉग बॉक्सेस के, जिसके अगेंस्ट यूजर का कोई एक्शन रिकॉर्ड करना होता है तो वो चीजें भी हमें एंड्रॉइड फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। बिल्ट इन लाइब्रेरीज प्रोवाइड करते हैं, हमें अलग से डायलॉग की या अलर्ट डायलॉग की कमांड्स नहीं लिखनी पड़ती, हमें इसके बिल्ट इन फंक्शंस को यूज करते हुए हम डायलॉग्स की क्वालिटीज को यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास है मेन्यूज है, इसी तरह सर्च ओवरव्यू है कि हमें सर्च बार भी प्रोवाइड कर देता है और सर्च बार से रिलेटेड जो भी सर्च की क्यूरीज या फंक्शन होते हैं वो भी बिल्ट इन एंड्रॉइड हमें प्रोवाइड कर देता है, तो उन्हीं फंक्शंस को इनहांस करते हुए हम अपने आप को कंपेटेबल कर सकते हैं। फिर हमारे पास कॉपी पेस्ट की भी फंक्शनलिटी है एंड्रॉइड में, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे बेहतर फंक्शनलिटी जो ड्रैग एंड ड्रॉप की है कि हमारा एक्सएमएल फाइल में जितना भी कोड है वो लिखने के टाइम उस टाइम को हम सेव कर लेते हैं, उस प्रोसेसिंग को सेव कर लेते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी प्लेसमेंट से अपनी मर्जी से हमें बार बार उसकी जाके पॉइंट टू पॉइंट प्लेसमेंट चेंज नहीं करनी पड़ती, बल्कि स्क्रीन के एडजस्टमेंट के हिसाब से हम किसी भी एलिमेंट्स को किसी भी एंड्रॉयड विजिट को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स थे जो हेल्प करते हैं हमें एंड्रॉयड के फीचर्स को इनहांस करने में, एंड्रॉयड के यूआई को इनहांस करने में, और इसी तरह मल्टीपल फीचर्स हैं जो एंड्रॉयड की हमें बिल्ट इन फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं और हमें अलग से कोड नहीं लिखना पड़ता। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।